सो हेलो फ्री फायर लवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री फायर में खुद का एक नया गिल्ड कैसे बना सकते हो। तो गिल्ड का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री फायर में अपना गिल्ड बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता गिल्ड कैसे बनाया जाता है तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना, तुम्हारा भाई तुमको बताएगा कि कैसे आप खुद का गिल्ड बना सकते हो। बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके, तो गिल्ड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना जो गिल्ड का आइकन बना हुआ रहता है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद अगर आप किसी गिल्ड में पहले से हो तो उस गिल्ड से दोस्तों आपको निकल जाना है। निकल जाने के बाद यहाँ पर आप देखना क्रिएट गिल्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको क्रिएट गिल्ड पे आपको क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको मिलता है ऑटो अप्रूवल। यहाँ पे दोस्तों अगर इसको ऑफ या फिर ऑन रखोगे तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी को आपके गिल्ड में आने का रहेगा और आप अगर ऑफ करके रखोगे तो वो डायरेक्ट आपके गिल्ड पे ज्वाइन नहीं हो पाएगा, आपको मतलब रिक्वेस्ट भेजेगा, आप एक्सेप्ट करोगे तो ही आपके गिल्ड पे वो आ पाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑटो अप्रूवल से क्या होता है। तो इसको ऑफ या फिर ऑन अपने हिसाब से रख लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको लेवल मिलता है, तो लेवल को जितना रखोगे उतना लेवल का ही बंदा आपके गिल्ड में ज्वाइन हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 50 रखा है, तो 50 से जिसका लेवल नीचे रहेगा वो मेरे गिल्ड पे ज्वाइन नहीं हो पाएगा। मे बी आप लेवल के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बी आर रैंक और सी एस रैंक मिलता है। यहाँ पे जो रैंक आप सिलेक्ट करके रखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे हीरोइक सिलेक्ट करके रखा है मतलब बी आर में, तो जब कोई बंदा मेरे गिल्ड में ज्वाइन होगा तो उसका बी आर में उसका हीरोइक रैंक होना चाहिए तो ही वो गिल्ड में ज्वाइन हो पाएगा। सी एस में भी मैंने वही रिक्वायरमेंट रखा है, तो इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड गिल्ड नेम पे क्लिक करके दोस्तों गिल्ड का जो भी नाम आप रखना चाहते हो यहाँ पे लिख देना, और सोच समझ के अच्छे से लिखना, क्योंकि बाद में अगर आप गिल्ड का नाम चेंज करने जाओगे तो वहाँ पे आपको डायमंड्स लगेंगे, तभी जाके आप गिल्ड का नाम चेंज कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों आप एक ही बार में सोच समझ के अच्छे से गिल्ड का नाम मतलब रखना। एंड यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करके दोस्तों अगर आप चाहते हो कोई मतलब कि अपना इंडिया वगैरह अपना जो स्टेट का नाम वगैरह यहाँ पे मतलब कि देना तो वो भी आप दे सकते हो यहाँ से। एंड उसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे गोल्ड तो होगा ही, सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करना, 5000 गोल्ड आपका कट हो जाएगा और उसी से आपका गिल्ड बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो गिल्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये नाम हमें अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरा नाम रख लेते हैं, जैसे कि ब्रदर्स फैंस ऐसा कुछ रख लेते हैं, ब्रदर फैंस। इसके बाद यहाँ पे गोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा गिल्ड बन के रेडी हो चुका है 1 लेवल का। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ मैं ही हूँ। इस पर दोस्तों अब क्या करना है, अगर मेरे को किसी को इस गिल्ड में ऐड करना है तो सिंपली उस फ्रेंड का मतलब कि फ्रेंड में होना चाहिए, उसका प्रोफाइल में यहाँ पे दोस्तों गिल्ड इन्वाइट का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके उसको इन्वाइट में कर सकता हूँ। एंड वो बंदा अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो मेरे गिल्ड में ज्वाइन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप फ्री फायर में अपना गिल्ड बना सकते हो। मे बी आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो बस वीडियो सही तक था।